हाय फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। मैं श्याम और आप देख रहे हैं अपना चैनल हर्बल स्ट्रेट्स एंड टिप्स विद श्याम। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज जो हमने सुपर फ्रूट के बारे में आज के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, वह बहुत ही कारगरी और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपके स्वास्थ्य को बूस्ट करता है। तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक मेरी आप सबसे हृदय से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों ये जो बेल फ्रूट है, यह बहुत ही सुपर फूड होता है, नेचुरल फूड होता है, और यह इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वह हमारे हेल्थ को बूस्ट करता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे, वैज्ञानिक तत्व इसके जानेंगे कि क्या क्या यह हमारे बॉडी में प्रभाव करता है। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो पे बिना देरी किए। दोस्तों यदि 100 ग्राम आप बेल फ्रूट लेते हैं तो 100 ग्राम में 64% एडिबल पार्ट होता है, यानी कि आपका जो 36% होता है वह नॉन एडिबल या खाने योग्य नहीं होता है। दोस्तों इसके अंदर जो है 137 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 31.8 ग्राम्स होता है बाई 100 ग्राम में, इसके अंदर प्रोटीन भी होती है 1.8 ग्राम बाई 100 ग्राम में। दोस्तों इसके अंदर फाइबर भी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है 2.9 ग्राम बाई 100 ग्राम में, इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। वाटर इसके अंदर 61% होता है 100% में। दोस्तों यह काफी कारगरी और हेल्थ बूस्ट या सुपर फूड होता है बेल फ्रूट, इसको अंग्रेजी में जो बोलते हैं वुड एप्पल भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है एगल मार्मेलोस। दोस्तों अब जान लेते हैं कि यह हाई कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे बॉडी को किस तरह से बूस्ट करता है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो रिच सोर्स होता है हाई कार्बोहाइड्रेट का, वह हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है और इसके अलावा हमारे बॉडी को हाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर जो 61% वाटर होता है वह हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। दोस्तों यह हाइपरटेंशन यानी बीपी से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम होता है, वह पोटेशियम हमारे बॉडी के बीपी या फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल को कम करता है, उसके वजह से हमारा हार्ट इम्प्रूव होता है, बीपी हमारी सही रहती है, कंट्रोल रहती है। यदि इसका सेवन हम रेगुलर करते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही कारगरी होता है। दूसरा दोस्तों यह डायबिटीज से भी हमें बचाता है, यानी ब्लड शुगर जो खतरनाक बीमारी होती है ब्लड शुगर, उससे भी हमें बचाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव कंटेंट एक होता है फेरोनिया गम। दोस्तों फेरोनिया गम जो होता है वह हमारे इंसुलिन के स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है, इंसुलिन के स्टिमुलेशन के बढ़ने के वजह से जो ब्लड शुगर होती है वह कम होती है और हमारी डायबिटीज कंट्रोल होने लगती है। दोस्तों इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो दोस्तों यह इन्फेक्शन हमारे बॉडी में यदि इन्फेक्शन होता है तो उससे भी बचाती है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होने के वजह से वह इन्फेक्शन से भी बचाती है। हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है चाहे वह इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, या अंदर हो या बाहर, दोनों तरह से इन्फेक्शन को यह रोकती है। यदि बेल पत्र को पीस के अपने बॉडी पे लगाया जाए तो वह भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होने के कारण वह आपके स्किन के डेड होने से बचाता है, शाइनिंग करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। दोस्तों यह हमारे डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर जो गुण होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, वह इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं बैड बैक्टीरिया होती हैं उनको खत्म करता है, उनके खत्म करने के वजह से हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बूस्ट होता है। यदि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बूस्ट होता है तो हमारा डाइजेशन या हमारा पाचन सिस्टम भी बूस्ट होता है, खाना पीना अच्छी तरह से पचता है। तो इसका उपयोग यदि हम डेली करते हैं तो दोस्तों यह हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी विष मुक्त भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो पोटेशियम होता है वह हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है या विष मुक्त करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी या हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो इसका उपयोग जरूर करें। दोस्तों यह हमारे उन महिलाओं के लिए भी काफी कारगरी होता है जो मिल्क फीडिंग करती हैं। हाँ दोस्तों इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है वह बहुत
बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि प्रोलैक्टिन और कार्टिकॉयड को यह बढ़ाता है। यदि प्रोलैक्टिन और कार्टिकॉयड बढ़ता है तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाली ग्लैंड होती है वह ग्लैक्टागोगू ग्लैंड को स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। उसके स्टिमुलेशन बढ़ने के वजह से जो हमारा लैक्टेशन होता है या मिल्क प्रोडक्शन वह बढ़ जाता है। यदि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है तो उन महिलाओं के लिए भी बेटर एक ऑप्शन बन जाता है दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जो नेचुरली प्राप्त होता है इस बेल फ्रूट के वजह से। तो इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो यदि आपके लिए इंफॉर्मेटिव और कारगरी साबित होती है तो जरूर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली मेंबर या फिर दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सबको मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।